धोनी के गुण, वृद्ध लोग थोड़ा सा गैप ले सकते हैं जरूरत है तो। धोनी के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, नीचे लिख दीजिए। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि इको, प्रतिध्वनि इको। प्रतिध्वनि इको, चलिए ध्यान दे। सभी लोग ध्वनि के गुण पर थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिए। पहले बात को सुनना है और तब उसके बाद आराम से लिखना है। प्रतिध्वनि का मतलब कहता है एक ही ध्वनि जब एक से अधिक बार सुनाई दे तो इसको हम लोग इको प्रतिध्वनि कहते हैं। फिर से, आप लोग कई बार किसी कमरे में बोले हेलो और उसमें सुनाई दिया हेलो हेलो, तो इसका मतलब वो इको है, प्रतिध्वनि। अब बताओ प्रतिध्वनि का परिभाषा क्लियर हो गया। एक ही ध्वनि अगर एक से अधिक बार सुनाई दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि इको कहते। जरा गौर करना, बढ़िया से सुनेंगे। माइक वगैरह में भाषण देते हैं तो उसमें भी अगर मिक्सर मशीन होता है तो उसमें एक इको का कॉलम होता है, और तुम जहां पढ़ लोगे ECHO इको और उसको अपने से पूरा ऐट दो तो नेताजी बोलेंगे हेलो तो निकलेगा हेलो 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 10 बार। ऐसा कभी सुना है? तो तुम समझ लोगे कि वो इको हाई किया हुआ। और इको अब होता क्या है, अब वहां पे पहुंचे, ध्यान दीजिए। चूंकि पहले तो आपको बात समझना होगा कि इको मतलब क्या हो। अब हमारे कान का एक अपना लक्षण है, हम कुछ भी बोलते हैं तो ये परावर्तित तो होता है कई जगहों से, इस दीवार से, उधर की दीवार से, उधर की दीवार से, छत से, पीछे की दीवार से, और सब परावर्तित होके इसमें जाता है। तो ये भी अपना एक फॉर्मूला बनाए हुए है, 1/10 सेकेंड तक एक बार आवाज का बंडल बनाता है। माने सेकेंड के 10वें भाग तक जितना चीज आया उसको एक जगह रख के माइंड को भेजता है कि देखिए एक है फिर ये है। और जीव ईश्वर ऐसा दिए ही कि सेकेंड के 10वां भाग के बाद ही दूसरे शब्द का उच्चारण होता है, हम लोग को ऑटोमेटिक दिए हुए। तो सब इसमें एक ब्रेक है, उधर से भी टकरा के आया ब्रेक है, तो 1/10 सेकेंड के बीच जो भी आ गया वो एक बार गए। अगर 1/10 के बाद आएगा तो दूसरे पैकेट में वो जाएगा। तो मशीन में अगर इको ऐठ दिए हो तो वो हेलो को ही 1/10 के बाद तोड़ तोड़ के वो 5-6 बार भेज दिया तो उतना बार सुनाई दे। इसका गुण है। और तुम जानते हो ध्वनि का वेग 330 32 मीटर प्रति सेकंड, पढ़े थे। 1 सेकंड में ध्वनि 332 मीटर जाता है तो 1/10 सेकंड, बोलो 1/10 सेकंड में लगभग 33 मीटर की दूरी तय करे। बात समझ रहे हो सब? इसका मतलब अगर 33 मीटर साउंड गया और आया तो 1/10 सेकंड का टाइम लग जाएगा। तो बोलो केवल गया कितना? तो 33/2 माने 16.5। ये तो हुआ 1/10 की कहानी। इससे ज्यादा होगा तो पैकेट अलग बनेगा, तो 16.5 से थोड़ा ज्यादा लगभग क्या करते हैं 17 मीटर। इसीलिए अब एक नियम आगे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक। देखो 17 आया कैसे उसको समझना, केवल रट नहीं जाना। कई लड़का 17 उतरा सीधे किए हो तो उसको ऐठेगा क्वेश्चन तो गवाने लगो। डायरेक्ट वाला जो है ना उसको जब देंगे कंसेप्ट क्वेश्चन तो पकड़ा जाओगे, फिर नहीं बनेगा। तो अभी हम फिर से बात को समझाएं। अभी आपने समझा कि ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, और हमारे कान में एक बार जो सुनते हैं 1/10 सेकंड तक प्रभाव होता है, यानी अगला साउंड 1/10 के बाद आएगा तो वो हमको अलग सुनाई देगा। तो बताओ 1 सेकंड में 332 मीटर तो 1/10 सेकंड में 33 मीटर, यानी अगर साउंड गया और आया और इसमें 33 मीटर का दूरी है तो टाइम 1/10 लगे। तो
बताओ गया और आया 33 मीटर, तो केवल गया 16.5 मीटर, ये तो 1/10 हो गया। हमें 1/10 से ज्यादा वाला भेजना है, थोड़ा यहां दंडी मारे थे हम, इसमें 10 से भाग देते तो 33.2 होता, तो थोड़ा दंडी मार दी तो इधर थोड़ा खिला पिला देते हैं, मेंटेन होगी। और इसीलिए इसको लगभग कितना रखते हैं, 17, यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होना जरूरी है। और मीटर से समझ लो कम दूरी नहीं है, मीटर को फीट में बदलना है तो लगभग 3 से गुना करना पड़ेगा, 17 × 3 बोलो 51 फीट लंबा अगर दीवाल है तब इको सुनो। तुम्हारे घर में अगर कहीं देखना गांव में कुआं है, अगर ही कुआं में पानी ऊपर है और इसमें बोलोगे हेलो, तो यहां से हेलो, यहां से हेलो, यहां से हेलो, 1/10 के अंदर आ गया तो एक बार हेलो, कुछ नहीं हो। लेकिन अगर गहराई 17 मीटर से ज्यादा है, 17 मीटर नीचे पानी है और इसमें बोलोगे हेलो, तो दीवाल से आया हेलो, आ ई गया 17 मीटर आया तो 1/10 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा, अब फिर कहा हेलो हम भी है, देख लिया। तब बताओ इको सुनाई दिया गहरा कुआं में कि भरा हुआ पानी वाले कुआं, जल्दी बोलिए गहरा कुआं में। तो अब आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे बना, पहला एक अच्छा प्रश्न हो गया, प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। और दूसरा क्वेश्चन आपको हम देंगे चॉइस के साथ, चेक कर लेंगे कि आपने कितना समझा है। हम तो आपका ब्रेन एकदम मशीन लगाएंगे, पता लग जाएगा कि समझा या झूठ बोलता है। तो जल्दी पहले इस बात को लिखिए तब मशीन भिड़ाते हैं। लिखिए प्रतिध्वनि इको डैश देके लिखिए, जब एक ही ध्वनि, जब एक ही ध्वनि एक से अधिक बार सुनाई देता है, एक ही ध्वनि एक से अधिक बार सुनाई देता है, एक से अधिक बार सुनाई देता है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, एक से अधिक बार सुनाई देता है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए सत्रह मीटर की दूरी होना आवश्यक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक है, 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। नीचे एक प्रश्न जो आपका ब्रेन चेक करेगा प्रतिध्वनि कितना अच्छा समझे, लिख दीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रतिध्वनि कब सुनाई देगा, निम्नलिखित में प्रतिध्वनि कहां सुनाई देगा, निम्नलिखित में प्रतिध्वनि कहां सुनाई देगा, प्रतिध्वनि कहां सुनाई देगा, कहां सुनाई देगा। चॉइस ए, ए में लिख दीजिए एकदम आसान ही दे दे, छोटे कमरे में, छोटे कमरे में। बी, तुम लोग समझ गया, थोड़ा चॉइस ऐठना पड़ेगा। बी में लिख दो जंगल में, बड़ा कमरा हम नहीं देंगे, हम लोग बड़ा कमरा सोच रहा होगा लेकिन हम चॉइस से गायब कर देते हैं। बी जंगल में, सी नदी के किनारे, पहाड़ पर भी ले चलेंगे, नदी के किनारे, और डी एक और कर ले, पहाड़ बच गया, पहाड़ पर सोच लो,
इको सुन सकते हैं जंगल में, नदी के किनारे, पहाड़ पर, छोटे कमरे में। पहाड़ पर, इसमें एक चॉइस है, किसी के फेर में मत रहो, जल्दी बोल दीजिए। अच्छा, कितने लोग को लग रहा है पहाड़ पर, हाथ उठाइए, पहाड़ आवाज बहुत आ रहा है। अच्छा, पहाड़ पर बहुत लोग, चलो नदी के किनारे, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और जंगल में, अरे जंगल वाला भी था सब। और छोटे कमरे में, ये भी हाथ उठा रहा है। तुमको अभी लिखा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर 51 फीट बड़ा दीवार चाहिए। 51 फीट तुमको छोटा कमरा समझ में आ रहा? तुम 6 फीट है, 10 घोल्टनिया मार सकते हो, तो सोचो कोई छोटा कमरा होगा। छोटे कमरे में तो इको सुनाई नहीं दे। बोलो जंगल में, जंगल वही सब लड़के टिक मारा है जो सिनेमा खूब देखता है। इन लोग को फिल्म वाला सीन याद आ गया, फलना सिनेमा में था। जंगल में डाल जैसे तैसे होता है, और इसीलिए वो इधर ये उधर ऐसे भेज देगा, अवशोषित करेगा, वहां इको नहीं सुना जा सकता, इसलिए जंगल नहीं हो। नदी के किनारे, तो नदी के किनारे अगर हम बोलेंगे भी तो टकरा के कहां से आए, कोई अवरोध ही नहीं है, कहां से ला दिया, हेलो तो गया, हेलो वहां से आया, पानी से आया, तुरंत सुन लिए, फिर आएगा कहां से। और इसीलिए सही आंसर पहाड़ पर बोलोगे तो इधर से भी आया, और पहाड़ का मतलब बड़ा हिस्सा है, उधर से भी आया, और इको सुनाई कहां देगा, पहाड़ पर। और इसीलिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी कभी इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है कि लड़के बेचारे जंगल में ही खो जाते। अब ध्यान दीजिए, दूसरा अब सुन लें, प्रतिध्वनि, बढ़िया से बात को सुनेंगे, ध्वनि के परावर्तन का एक उपयोग करते हैं। इस इको का यूज क्या करते हैं, समुद्र की गहराई मापने में। बढ़िया से समझना थोड़ा, अगर समुद्र की गहराई मापना है तो क्या लगी और बांस से काम चले, नापो रे कितना लगी है। समुद्र की गहराई तुम जानते हो कि कितना तक जाएगा, 11 दुनी 22 मीटर, मैंने सोच लो 11 दुना 22, इतना मीटर तक गहरा है, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा, 11 किलोमीटर तक नीचे। अब इतना गहरा तक तुम देख रहे हो, मेरियाना ट्रेंच है, तो इतनी गहराई तक नापने के लिए हम लोग साउंड का ही उपयोग करते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे पराश्रव्य तरंग, उनको मशीन से छोड़ते हैं और देखते हैं कि कितना देर बाद टकरा के फिर इसमें रिटर्निंग साउंड देता है। मान लो हमने देखा कि जल के अंदर ध्वनि का वेग 1440 मीटर प्रति सेकंड है, ये तो हम लोग जानते हैं, और हमने एक साउंड को छोड़ा, और साउंड छोड़ने के बाद देखे कि यहां पर 6 सेकंड के बाद सिग्नल आया कि उस साउंड नीचे से टकरा के आ चुका है। इसका मतलब जाने में कितना लगा, 3 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1440 मीटर, तो 3 सेकंड में कितना मीटर, उतना नीचे गहरा है, ये ऑटोमेटिक मशीन लिख देता। जहां गहराई ज्यादा रहेगा बोलो वहां पे टाइम वही लगेगा कि ज्यादा लगेगा, उससे हमारी गहराई वहां का पता चल गया। अंदर घुसना नहीं है, केवल साउंड सिस्टम से हम गहराई जान लेते हैं, और इसी सिस्टम को साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं, इसको सोनार विधि कहते हैं। अब तुमको परीक्षा में आएगा कि सोनार है, अब कई लड़के सोनार माने दुकान पहुंचा हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि सोनार एक विधि है, समुद्र की गहराई ज्ञात करने की विधि, जो ध्वनि के परावर्तन का प्रयोग करता है, कितना देर में आया उसके आधा टाइम जाने में, और उसको वेग से गुना किए गहराई निकल गए। तो नीचे लिख दीजिए स्टार लगा के डैश देके, ध्वनि के परावर्तन के प्रयोग से, स्टार लगा के डैश देके लिख देंगे, ध्वनि के परावर्तन के प्रयोग से, ध्वनि के परावर्तन के प्रयोग से सोनार विधि, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार विधि
सोनार विधि से समुद्र की गहराई ज्ञात करते हैं। सोनार विधि से समुद्र की गहराई ज्ञात करते हैं। सोनार विधि से समुद्र की गहराई ज्ञात करते हैं। तो सभी लोग ने पहला गुण देखा इको, और इको से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तो क्लियर है सबका। दूसरा नंबर हम लोग लिख दीजिए ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हम लोग ध्वनि के पांच गुण देखेंगे और वहां से एक प्रश्न आसानी से आपको बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दोगे तो किसी को भी इधर का टॉपिक से बन जाएगा। इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है, इसको गंभीरता से एक बार सुनना है आपको कि याद हो जाए। तीव्रता का मतलब यह ध्वनि का वह गुण है जिस गुण के कारण ध्वनि धीरे या तेज सुनाई देता है। हम अगर तेज बोले तो समझो तीव्रता बढ़ाए, धीरे बोले तो तीव्रता कम। तो साउंड के धीरे या तेज ये बताने वाला कौन है, तीव्रता। यानी तीव्रता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि के धीरे या तेज होने का पता चलता है। कई बार ट्रक वाला प्रेशर हॉर्न मारता है कस के, अरे बड़ा तेज आवाज है, वो तीव्रता है। और हम लोग ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते, डेसिबल्स। कई बार ये बल बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक बल है, कहीं इन करवा देता, सेटर है ना, वो बहुत बुद्धि रखा, वो कह देगा निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है, अभिकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, डेसिबल। मार दिया लड़का, तो बल बल सब तो बल, ये बल नहीं है, ये साउंड है, तीव्रता बताने वाला। ये अंतिम में रंगा सियार है, लग रहा शेर है, हुआ हुआ करेगा, ये बल नहीं है। तो आपको देखो कैसे इन करवाएगा, देखो खतरा मेन समझना, कहीं लग जाएगा डेसी बल, कहना रे ये बल नहीं है, ये साउंड में बल लगा था इस। तो आप जल्दी बताओ ठीक से, अगर तुमको कहे कि बताओ ध्वनि की तीव्रता क्या है, तीव्रता ध्वनि का वह गुण है जिस गुण के कारण ध्वनि धीरे या तेज सुनाई देता है, और ध्वनि के तीव्रता का एसआई मात्र क्या है, डेसिबल। और अगर हम लोग सामान्य बातचीत कर रहे हैं तो 40 से 60 डेसिबल का साउंड हम लोग उत्पन्न करते हैं। 60 डेसिबल से ज्यादा का साउंड ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, इसको शोर कहते हैं। आप कहते हो ध्वनि प्रदूषण, तो प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल से। कई बार प्रशासन अलाउंस करती है कि ऑर्केस्ट्रा नहीं बजाना है, या बजाएगा भी तो इतना डेसिबल तीव्रता से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 80 डेसिबल से ज्यादा नहीं जाए। अब तुम प्ले स्टोर से अपने से लोड इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऐप का कर सकते हो, उसमें कोई बोलेगा तो उसको वहां ऑन करोगे तो कितना डेसिबल में वो बोल रहा है, धीरे तेज, वो तुम जान सकते हो। गाना बज रहा है तो 80 डेसिबल से ऊपर पर रोक लगाए हुए कि उससे ज्यादा नहीं करना, लेकिन नियम अलग जगह है, सामाजिक नियम अलग जगह। अरे समाज के नियम से बड़ा कोई नियम है नहीं, समाज के लोग जिसको एक्सेप्टेंस कर रहा है तो है। अब कोई 100 डेसिबल में बजा रहा है और सब लोग नाच रहा है तो फिर सब कह रहा है तो ठीक है, हम थोड़ा सुन लेते हैं, इसमें कंप्लेन वगैरह ज्यादा नहीं है। हाँ होगा कंप्लेन, तब जांच होगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 60 डेसिबल से अधिक का साउंड ध्वनि प्रदूषण के सीमा में है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा कि सामान्य बातचीत में हम लोग का डेसिबल क्या होता है, तो 40 से 60 डेसिबल से क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता। क्या डेसिबल एक प्रकार का बल है, नहीं ये बल नहीं है, तो लिख दीजिए जल्दी से ध्वनि की तीव्रता। डैश देखे तीव्रता ध्वनि का वह गुण है तीव्रता ध्वनि का वह गुण है तीव्रता ध्वनि का वह गुण है जिस गुण के कारण ध्वनि
जिस गुण के कारण ध्वनि धीरे या तेज सुनाई देता है। जिस गुण के कारण ध्वनि धीरे या तेज सुनाई देता है, धीरे या तेज सुनाई देता है। नीचे डबल सितारा लगा के लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्वनि के तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल है। ध्वनि के तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल है। ध्वनि के तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल है। नीचे क्वेश्चन लिख दो, निम्नलिखित में कौन भिन्न है? कभी कभी सदिश सदिश भी नहीं देता, भिन्न दे देता है। निम्नलिखित में कौन भिन्न है? निम्नलिखित में कौन भिन्न है? चॉइस ए, गुरुत्वाकर्षण बल। चॉइस ए, गुरुत्वाकर्षण बल। चॉइस बी, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल। चॉइस सी, डेसिबल। डेसिबल। और चॉइस डी, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल। बोलिए, ऐसा क्वेश्चन देगा, देखो डेसिबल को कैसे भांजाता है वो समझो, नहीं तो भंजान ही नहीं आए। अब पूछेगा, पढ़ के जाओगे ऐसे, वो कहेगा आओ बाबू कौन भिन्न है, भिन्न है ये कैसे धरेंगे। तो सब बल है, रियल बल है, लेकिन ये डेसिबल बल नहीं है, ये ध्वनि की तीव्रता। तीन बल से सावधान रखना, ये नोटिस में एकदम कर लेना कि तीन के अंतिम में बल रहेगा तो हम एकदम होश में रहते हैं। एक है प्रतिबल, ई भी बल नहीं है, दाब है। सोचो रंगल सीआर, ये दाब है, नाम लिखा है बल। दूसरा और खतरनाक, विद्युत वाहक बल। बड़ा खतरनाक पर ध्यान देना, नाम लिखा है कि बल है लेकिन ये ऊर्जा है, ये भी बल नहीं। और तीसरा और खतरनाक, डेसिबल। ये लग रहा है कि एकदम डेसिबल है घी उखा के, ये ध्वनि की तीव्रता है। तो देख लीजिए, ये नोटिस में तीनों को एकदम घेर घार के समेटे रहना है, ये कभी भी एक नंबर दे दे। तुम कंपटीशन जो दोगे ना, एक अंक ऐसा है जो साधारण लड़के नहीं बनाए, क्योंकि बाकी के फिजिक्स में इतना अंदर तक पकड़ वो नहीं बनाता है। तुम एकदम ध्यान रखना, बाकी कोई बल बोलेगा तो बल है, तीन को छोड़कर। वो तीन कौन कौन है? प्रतिबल, विद्युत वाहक बल और डेसिबल। ये तीनों है क्या? तो रियल फॉर्म ब्रैकेट में, और बाकी लिखा हुआ यहाँ बल है, वो बल नहीं। तो दिमाग में आपका एकदम सेट होना चाहिए। नीचे डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देके, सामान्य बातचीत में 40 से 60 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न होता है। 40 से 60 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न होता है। नीचे डबल सितारा लगा के लिख दीजिए, 60 डेसिबल से अधिक तीव्रता के ध्वनि को 60 डेसिबल से अधिक तीव्रता के ध्वनि को अधिक तीव्रता के ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रखते हैं। अधिक तीव्रता के ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रखते हैं।
ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रखते हैं। तो सब लोग पहले बताओ, पहला नंबर हम लोग क्या पढ़े, प्रतिध्वनि, ये तो लाइन क्लियर हो गया सबका। दूसरा नंबर पढ़े ध्वनि धीरे है कि तेज, किससे निकालते हैं, तीव्रता से, तीव्रता को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेसिबल से। नीचे अगला नंबर लिख दीजिए ध्वनि का तारत्व, ध्वनि का तारत्व, पिच ऑफ साउंड, ध्वनि का तारत्व, पिच ऑफ साउंड, ध्वनि का तारत्व, पिच ऑफ साउंड बोला जाए। 60 से ज्यादा हुआ तो उसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आप ऐसे करना शुरू करोगे कि बड़ी हल्ला हो रहा है, और ज्यादा होगा 80-100 तो और पर्दा पर प्रभाव, खराब प्रभाव पड़ेगा, और ज्यादा होगा तो दो में एक हो जाएंगे, अस्थाई या अस्थाई बहरा। बात समझ रहा है ना, हम लोग ज्यादा तीव्रता का साउंड सुनेंगे तो क्या होगा, अस्थाई या अस्थाई बहरा। अस्थाई का मतलब है कि अगर कान के पास 100 डेसिबल का साउंड दे दिए तो आपका वही स्थिति होगा कि कोई 100 उत्पन्न करेगा तब सुनोगे, नीचे वाला नहीं सुनाई दे। 100 को करेगा तो कहोगे हाँ है, बूढ़े लोग को देखे होगे का बाबा, तब वो कहेगा हाँ क्लियर, धीरे वाला में क्लियर नहीं तो वो अस्थाई, उसमें मशीन लगा के ठीक हो जाएगा। और अस्थाई का मतलब है कि 100-200 कुछ करो ये मशीन गया, बस ना। तो ये प्रभाव कान पर सबसे खराब किसका पड़ता, तीव्रता, बाकी किसी का नहीं। तुम इको 8 बार के जगह 18 बार सुनो हेलो हेलो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तीव्रता से ही खराब होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख, चलिए बोला जाए। अब डीजे वाला का तो अपना अपना है ना, वो कितना तक ऐड सकता है, वो इतना तक होगा कि तुम्हारे धड़कन जैसा मिला देगा, तुम भी हिलने लगोगे। चलिए ध्यान दे, ओ ध्यान दे, पिच ऑफ साउंड पे अब हम लोग चले। तो पिच किसको कहते हैं, अब देखो कितने बॉक्स लगा रहे हैं, डीजे में भी बॉक्स का संख्या है, कितने बड़े बड़े बॉक्स लगा रहे हैं, मशीन कितने तरह का प्रयोग किए हैं, उसमें भी अलहिया और बहुत तरह का मशीन, समझ रहा ना। और उन मशीनों के द्वारा जितना चाहेगा उतनी तीव्रता दे सकती, वो धीरे तेज, और उस तेज वाले ध्वनि में जो लोग नजदीक रहते हैं उन लोग को मेन खतरा है अस्थाई बहरापन होने, उससे कई तरह का खराबी और भी है, अनिद्रा हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, बहुत तरह, बगल वाला डेली गाना ही डीजे पर बना है तो तुमको हृदय रोग तक हो सकता है। अरे टेंशन से हो जाएगा, रात में घोलटते रहोगे, नींद नहीं आएगा, इतना कसके बजा रहा ही कर रहा है तो तुमको हो गया, जाओ डॉक्टर ही कहेगा हार्ट के आप रोगी हो गए, कहेगा उसी का सब दिया हुआ है, ज्यादा चिल्लाओगे तो फिर किसी दिन फ्यूज भी उड़ेगा। तो साउंड का तो बहुत बड़ा प्रभाव ना है, तुमको ध्यान देना है। तारत्व पिच क्या है, ये और खतरनाक है, इसके कारण धीरे तेज नहीं है, मोटा पतला सुनाई देता है। जैसे आदमी आपको मोटा पतला दिखाई देता है ना, साउंड भी मोटा पतला बिना देखे हुए। अब कोई कोई गाता है तो कहते हो बड़ी मोटा आवाज, ये तो दिखता है, आह बहुत पतला आवाज है। तो साउंड भी मोटा पतला हो सकता है, किसके कारण, पिच के कारण, तारत्व के कारण। यानी कहीं आप पिच वाला अगर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो तो तुम एक नया चीज कर सकते हो, पिच का प्ले स्टोर में जाओगे और कहोगे पिच जो है साउंड सिस्टम बढ़ाने वाला कोई ऐप ले लोगे तो देखिए, अगर ज्यादा तारत्व कर दोगे पिच हाई तो साउंड पतला हो जाएगा। और ये पतला आवाज है मतलब पिच ज्यादा है, अगर पिच कम है तो मोटा आवाज। बोलो पुरुष और महिला में किसके आवाज का तरत्व ज्यादा हो, महिला का आवाज का तरत्व ज्यादा होगा तो आवाज पतला होगा। तुम उस ऐप से अगर पिच का मान हाई करके किसी से बात करोगे तो पुरुष इधर बात कर रहा है लेकिन अगला को महिला की आवाज सुनाई देंगे। कई ऐप में तुम देखना पुरुष का आवाज महिला में भी कन्वर्ट होता है, तो वो कन्वर्टर कुछ नहीं करता है, केवल पिच का मान बढ़ा देता है। हर का ये पिच ईश्वरीय प्रदत्त है, तुम अगर किसी पुरुष का पिच बढ़ जाएगा तो उसका बोली ज्यादा पतला ना हो जाए, नहीं तो फिर दूसरा नाम उसका हो जाएगा, बात समझ लीजिए, फिर महिलाओं वाली आवाज हो जाएगी उसकी।
तो इसमें आप देखिए, आपसे पूछा जाएगा पुरुष और महिला में किसके आवाज का तारत्व ज्यादा है। महिलाओं का तारत्व ज्यादा होगा तो आवाज कैसा होगा, पतला। तारत्व कम होगा तो मोटा। और तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे साउंड मोटा या पतला सुनाई देता। याद होगी, शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट, किसका तारत्व ज्यादा। मच्छर वाला बड़ा मधुर संगीत सुनाता है मच्छर, उसमें तारत्व ज्यादा है, पतला साउंड। शेर की दहाड़ का तारत्व क्या है, कम है, मोटा साउंड। तो जल्दी लिख दीजिए, तारत्व ध्वनि का वह गुण है, तारत्व ध्वनि का वह गुण है, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिस गुण के कारण ध्वनि, जिस गुण के कारण ध्वनि, जिस गुण के कारण ध्वनि, बोलो जल्दी से, वेरी गुड, मोटा या पतला सुनाई देता है। जिस गुण के कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है, मोटा या पतला सुनाई देता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, तारत्व अधिक होने से, तारत्व अधिक होने से ध्वनि पतला, तारत्व अधिक होने से ध्वनि पतला और तारत्व कम होने से, और तारत्व कम होने से ध्वनि मोटा प्रतीत होता है। ध्वनि मोटा प्रतीत होता है। नीचे स्टार लगा के डस्ते के लिख दीजिए, पुरुषों के आवाज के तुलना में, पुरुषों के आवाज के तुलना में महिलाओं के आवाज का तारत्व, पुरुषों के आवाज की तुलना में महिलाओं के आवाज का तारत्व, बोलो क्या होगा, अधिक होता है। महिलाओं के आवाज का तारत्व अधिक होता है। देखो, महिला के साउंड का पिच ज्यादा होता है, इसीलिए रेलवे स्टेशन पर या कहीं अनाउंसमेंट में महिलाओं के साउंड का प्रयोग किया जाता है। ये फलाने गाड़ी 2 नंबर पर आ रही है, उसका पिच ज्यादा है, पतला और अस्पष्ट सुनाई दे। अगर पुरुष कभी कभी मैं अपने उठा के बोल लेता है, फलना गाड़ी 2 नंबर पर आ रही है, तो आधा आदमी बात करेगा, कई नंबर पर बोला भाई साहब, ये क्या हो गया जी। वो तारत्व कम था, मोटा साउंड था, सब एक में लपटा गया बेचारा। तो चलिए, अब आप लोग तारत्व कभी सुनोगे महिला साउंड प्लेटफॉर्म पर भी, तो रिवीजन मन में हो जाएगा कि ओ पिच ज्यादा है। लिख दीजिए नीचे अगला, ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस। अब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, इंटरफेरेंस देखेंगे, एक रिजोनेंस देखेंगे, बस आपका इधर से प्रश्न जो है बन जाएगा। ध्यान दीजिए, अब सब लोग का ध्यान यहाँ पे चाहेंगे, थोड़ा बढ़िया से समझेंगे इंटरफेरेंस क्या है। तो व्यतिकरण कहता है, पिछले क्लास में भी समझाए थे, एक साउंड बॉक्स से अगर आप गाना सुन रहे हो तो आपको कभी कभी लगता है कि एक बॉक्स और रहता तो बड़ा बढ़िया हम उछलते। एक बॉक्स में ऐसा कभी कभी लगता है, तो आप एक बॉक्स और इधर लगा के दोनों मिला के सुनते हो, बड़ा बढ़िया डिम डिम सुनाई देता है। इसका मतलब साफ है कि जब एक ही स्रोत से उत्पन्न दो ध्वनि, सोर्स एक ही होना चाहिए, सोर्स अलग अलग रहेगा तो नहीं, ये अलग मशीन से बज रहा है और ये अलग मशीन से बज रहा है, इसमें अलग गाना है, इसमें भोजपुरिया लगा हुआ है, दोनों मिलेगा तो कोई बीच में उछलेगा, पता नहीं चल रहा, एक बजना चाहिए।
मतलब इसीलिए आपको साफ हमने बताया, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो ध्वनि जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है तो कुछ स्थान पर इसकी तीव्रता बढ़ती है और कुछ स्थान पर इसकी तीव्रता घटती है, इसे ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। और इसी कारण से बहुत इंपॉर्टेंट दो एग्जाम्पल है जो आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी निकट का रेडियो स्टेशन ठीक से सुनाई नहीं देता और दूर वाला ठीक सुनाई देता है, वो इंटरफेरेंस। कभी कभी हवा का इस तरह से रुख हो सकता है कि आप पटना रहते हुए पटना का रेडियो स्टेशन धराओगे तो गाना घड़घड़ घड़घड़ करेगा, लेकिन शॉर्ट में लगा दोगे तो दूसरा भाषा के गाना वाला टनाटन बजेगा। कहोगे कि इतना दूर वाला टनाटन है, पटने गड़बड़ाया हुआ है, रेडियो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो कुछ मत कीजिए, हवाओं के गति से एक दूसरे में मिलकर व्यतिकरण हो गए और आप जहां अभी रेडियो सुन रहे हो वहां विनाशी व्यतिकरण हुआ है, उसकी तीव्रता खराब हो गई है। वो ऑटोमेटिक फिर हवा के रुख चेंज होने से फिर कुछ देर में सही होगा, उस समय तुम कितनों ट्यूनिंग हटाओगे कुछ नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कभी कभी निकट का रेडियो स्टेशन ठीक नहीं सुनाई देना और दूर का रेडियो स्टेशन ठीक सुनाई देना साउंड के किस गुण के कारण है? व्यतिकरण के कारण। दूसरा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, समुद्र में कभी कभी सायरन खतरे का लगाया जाता है कि इन जोन में नहीं जाना है, खतरा है, यहाँ पे कुछ भी पानी मूव कर रहा है, भंवर जैसा है, यहाँ पे नाव जहाज डूब सकता है, तो कुछ दूरी पर ही कई जहाज लगा करके और सभी से साउंड यहां पर दिया जाता है। साउंड में चेक किया जाता है कि एक पहले से कि एक मशीन हमारा 40 फीट तक साउंड पहुंचाता है तो अगला जहाज 40 फीट के बाद दिया जाता है, और चारों तरफ से सायरन है कि यहां सुन लो तो इधर मत घुस। फिर भी ऐसा हो सकता है कि एक साउंड रहता तो 40 फीट, लेकिन दो मिलाए तो कुछ जगह विनाशी व्यतिकरण हो। एक साउंड रहता तो वहां सुनाई देता, लेकिन डबल होने से यहां अब्सेंट हो गया और जहाज यहां से चला गया। उसको डांटा गया कि क्या सुना नहीं, तो जी नहीं, कैसे गया, तो सही में यहां सुनाई नहीं दिए। इस जोन को हम लोग कहते हैं साइलेंस जोन, शांत क्षेत्र। खतरे के सायरन बजाने के बाद भी शांत क्षेत्र का निर्माण होना, ये ध्वनि का क्या है? व्यतिकरण। सिनेमा हॉल में कई बॉक्सेस होते हैं, ऐसा हो सकता है कि एक दो सीट चार सीट बन जाए, जहां एक बॉक्स रहता तो आवाज सुनाई देता, लेकिन सभी बॉक्स का साउंड मिलने से वो पार्टिकुलर उस सीट पर ध्वनि का विनाशी व्यतिकरण हुआ है। जिसका वहां सीट मिल गया उसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, बैठा हुआ है मुंह चलाते देख रहा है और हंस कब रहा है, जब अगल बगल देखा सब हंस रहा है तो वो भी हंस दिया, और जो तीन बार ऐसा हुआ तो कहा हम सुन नहीं रहे, सब सुन रहा है, सीट चेंज किया तो कहा हाँ यहाँ ठीक धर रहा है। ऐसा अगर हो जाए तो कहना समझ गए, इंटरफेरेंस के फेर में पड़ गए। बोलो व्यतिकरण क्लियर है सबका? लिख दीजिए इंटरफेरेंस व्यतिकरण, डैश देके लिखिए। एक ही स्रोत से उत्पन्न अरे तुम लोग अलग अलग टाइम में कहा हंसता है, सुनो उसी समय लगे हाथ निकल लो, इन लोग बाद में समझ में आता है इन लोग को। एक जंगल में शेर चुटकुला सुनाया, सभी जानवर खूब हंसे, गधे नहीं हंसे। अगला दिन गधा खूब हंस रहा है, क्या हुआ जी? आज समझ में आया। वैसा नहीं करना है, लगे हाथ निकल जाना। लिखिए जरा, एक ही स्रोत से उत्पन्न, सुनो जरा, लिखो जल्दी जल्दी फटाफट, एक ही स्रोत से उत्पन्न, फिर इसमें लेट से है, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो ध्वनि तरंग, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो ध्वनि तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो ध्वनि तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो कुछ स्थान पर इसकी तीव्रता बढ़ती है
कुछ स्थान पर इसकी तीव्रता बढ़ती है, इसकी तीव्रता बढ़ती है और कुछ स्थान पर इसकी तीव्रता घटती है, और कुछ स्थान पर इसकी तीव्रता घटती है। इसकी तीव्रता घटती है, इसे ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। इसे ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। नीचे लिख दो स्टार लगा के, व्यतिकरण के उदाहरण। एग्जाम्पल ही मेन आपसे पूछा जाएगा, व्यतिकरण के उदाहरण, व्यतिकरण के उदाहरण। फर्स्ट नंबर लिखिए, कभी कभी, कभी कभी निकट के रेडियो स्टेशन, कभी कभी निकट के रेडियो स्टेशन, निकट के रेडियो स्टेशन ठीक से सुनाई नहीं देता है। निकट का रेडियो स्टेशन ठीक से सुनाई नहीं देता है, जबकि दूर का, जबकि दूर का अस्पष्ट सुनाई देता है, दूर का अस्पष्ट सुनाई देता है। दूसरा नंबर लिख दीजिए, सेकेंड पॉइंट देखिए, समुद्र में खतरे के सायरन बजाने के बाद भी, समुद्र में खतरे के सायरन बजाने के बाद भी, सायरन बजाने के बाद भी शांत क्षेत्र का निर्माण होता है, बाद भी शांत क्षेत्र का निर्माण होता है, शांत क्षेत्र का निर्माण होता है। चलिए नीचे लास्ट वन लिख दीजिए, अनुनाद रिजोनेंस, ध्वनि के अनुनाद रिजोनेंस ऑफ साउंड, और इसमें स्टार लगा देना, रिजोनेंस भी इंपॉर्टेंट है, रिजोनेंस के बाद साउंड से इधर सेशन आपके बन जाएंगे। एक दो प्रश्न छोटा सा और देख लेंगे तो कंप्लीट, और इसके बाद हम लोग फिजिक्स में एक ज्योग्राफी मिक्स टॉपिक करेंगे। अगला नेक्स्ट क्लास से जो आपका चलेगा उसमें फिजिक्स का टॉपिक ज्योग्राफी वाला मिक्स है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है ब्रह्मांड, पूरे सूर्य तारा ग्रह नक्षत्र ये सब जितना है, शुद्र ग्रह कौन सा है, तारा कैसे होते हैं, ये पूरी बात दो क्लासेस में करेंगे। उससे भी एक अंक का प्रश्न आपका निश्चित बने, तो इसीलिए अगला नेक्स्ट क्लास आपका जो चलेगा वही हम लोग यूनिवर्स सिस्टम पूरे ब्रह्मांड के बारे में इसमें फिजिक्स में देखेंगे। चलिए जरा सब लोग सुनेंगे रिजोनेंस क्या है, इसको बात को सुनिए। जब वस्तु का कंपन ध्वनि के कंपन के बराबर होता है तो आयाम का मान अधिकतम हो जाता है, इसे रिजोनेंस का। फिर से बात सुनेंगे, अगर अभी कभी कभी आपको एक, मान लेते हैं सपोज एक स्पीकर मिलता है और इस स्पीकर से आप गाना सुनते हो, तो आपको कभी कभी लगता है कि इसको अगर हम बॉक्स में बंद कर दें तो बड़ा बढ़िया सुनाई देगा। कई लड़के तो बर्तन उर्तन में भी डाल के हड़िया में इधर उधर रखना शुरू करता है कि अब बेजोड़ बजेगा इससे। यही रिजोनेंस है, वो जो तुम कर रहा है ना वो रिजोनेंस है। तुमने एक वस्तु दिया ताकि वस्तु में भी कंपन, जब तुम बंद करोगे तो कंपन अलग हो, हम ऐसे बोल रहे हैं अब ऐसे बोल रहे हैं, चेंज होगा, बात समझो। ये रिजोनेंस था, हमने जो ऐसे कर दिया रिजोनेंस हो गया, अब सीधा सीधा चल रहे हैं, ये सामान्य बोली। इसीलिए तुम देखना एक आदमी ऐसे बोला और दूसरा आदमी बिना माइक लिए हुए और ये बड़ा वाला भोमा में मुंह लगा के बोल दिया, बोलो आवाज वही रहेगा कि बदल जाएगा, बस यही रिजोनेंस है। तुम लोग अब रिजोनेंस पकड़ना शुरू कर दिया, जब तुम इसमें बोलोगे तो वस्तु में भी कंपन हो और साउंड में भी कंपन हो और दोनों कंपन बराबर होगा तो आयाम अधिकतम हो जाएगा, तुमको तेज सुनाई देगा।
इसीलिए लाउड स्पीकर में इतना डिजाइन तक बढ़ाते हैं, इसीलिए स्पीकर में बॉक्स का प्रयोग करते हैं, इसीलिए तबला में खाली चमड़ा नहीं रखते, नीचे गोलियां देते हैं ताकि इसमें कंपन हो तो आवाज ठीक सुनाई दे, इसीलिए ढोलक में इधर लकड़ी दे के बीच में सुरताल देते हैं ताकि वस्तु जरूर रहे। ये ढोलक का चमड़ा नहीं चाहिए, बात ध्यान दो। अरे एक ठो लगता है इधर ओहो वाला एक ठो आ गया है, ध्यान दीजिए। अब बात को समझे, ध्यान दो। अब आप ढोलक का मान लो चमड़ा है और इस तबला वाला चमड़ा को लोहा में अगर तुम सिलवा दोगे और नीचे से खुला छोड़ दो और कहो बजाओ, क्या साउंड देगा? वो नहीं देगा। हाँ, इसी को रिजोनेंस कर दिया तो लगा कि बड़ा बढ़िया बज रहा। ध्यान दीजिए, आप कोई भी थर्मस खरीद रहे हो, मान लो थर्मस, बंद चीज में रिजोनेंस अलग होगा, खुला में अलग होगा। तुम कोई थर्मस ले रहे हो तो हवा में तो हमेशा कंपन हो रहा है। तुम थर्मस को अब आंख से नहीं देखना, कान से देखना, कान से। कोई कहना थर्मस दिखाइए, देगा ऐसे, सब कहेगा इधर से क्या देख रहा। थर्मस अगर सही है तो उसके रिजोनेंस का साउंड अलग आएगा। एक बार सही वाला के सुने रहना और खराब वाला के सुने रहना तो ये मशीन सही हो जाएगा। अगर थर्मस में कहीं लीकेज होगा तो तुमको आंख से दिखाई नहीं देगा, अंदर लीक है तो एयर लीक किया हुआ है तो तुमको सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा, लेकिन कान रिजोनेंस के आवाज से बता देगा कि नहीं ये गड़बड़ है और ये स्पेशल सनसनाहट है, ये सही। रिजोनेंस में इतने गुण है तो ये कहीं कहीं अभी जो आपको सुना है ये सब लाभ वाला सुना है, परीक्षा में अपोजिट हानि भी आ सकता है। कहीं कहीं ये रिजोनेंस खतरा भी उत्पन्न करता है। जैसे अब मान लेते हैं कि अगर आपका मकान यहाँ पे है किसी पड़ोसी का और शीशा का खिड़की पूरा लगा और आप अपने मकान में बहुत पावर वाला जोर का आवाज वाला पटाखा बम छोड़ते हो दड़ा, तो इसके आवाज से ऐसा हो सकता है कि इसके शीशा में कंपन हो, और वो कंपन अगर इसके आवाज के बराबर हो गया तब पूरा खिड़की झंझना के का शीशा गायब भी हो सकता है और वो कहेगा शीशा फोड़ दिया। हम नहीं फोड़े, हम पड़ाका छोड़ रहे हैं, वो अपने फूट रहा है। बोलो आवाज से शीशा फूट सकता है कि नहीं? फूट सकता है। अगर कोई जहाज कम ऊंचाई से उड़ेगा, बात को समझना, अगर जहाज कम ऊंचाई से उड़ेगा और उसके कंपन से भवन में रिजोनेंस हो गया तो कमजोर मकान गिर सकता है। इसी कारण से सबसे बड़ा रीजन है पुल पर सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती। अब सोचो अमेरिका में घटना घटित हो चुका है, एक पुल पर 10 ट्रक का लोड आराम से पूरे बढ़िया से जा सकता था, लेकिन सुबह सुबह उस पे नो एंट्री रहने से बगल में सेना के कैंप थे, सेना वाले लोग यहीं पर लेफ्ट राइट लेफ्ट इसी पर करवाना शुरू कर दिए, पुल ढह गए, क्रेक हो गए। बाद में रिसर्च हुआ कि क्या ये 50 आदमी का वजन 10 ट्रक से ज्यादा है, तो देखा कि सबको तौले तो एक ट्रक के बराबर भी नहीं। फिर ये ऐसी कौन सी घटना हो गई? तो इसमें इवेंट रिजोनेंस का हुआ। अगर तुम किसी के छत पर खड़ा होके 50 लड़का लेफ्ट राइट लेफ्ट अगर मिला दोगे तो छत सहित नीचे आ जाओगे, रिजोनेंस होगा। तुम्हारे कदम की आवृत्ति अगर छत की आवृत्ति के समान हो जाए तो मैक्सिमम अनुनाद होने से छत के क्रेक होने की संभावना पूरी हो जाती। एक गायक था अकबर के समय, नाम सुने होंगे तानसेन, उसके बारे में कहा जाता है कि उसके गला में रिजोनेंस उत्पन्न करने वाला गुण था और इसीलिए भीड़ लग जाती थी तानसेन जब गाता था। वो इस तरह का कंपन उत्पन्न करता था कि अगर जोर से गाना शुरू कर दे तो अगल बगल कोई कांच का चीज है तो झनझन करना शुरू, वो क्रैक हो सकता है। तुम्हारे घर में भी अगर कांच का कोई, अभी अब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे घर में कोई लैंप का कोई शीशा मिल जाए तो इसको ले लेना और इस शीशा को रूम बंद करके पहले कह देना कि हम चिल्लाएंगे कोई आना नहीं, और जोर से आ की आवाज निकालना। अगर इसका कंपन उससे मैच कर गया तो ये क्रैक हो सकता है। बात समझ लीजिए, रिजोनेंस की घटना ऐसी हो सकती। तो आपको पूछा जाएगा ध्वनि के किस गुण के कारण सैनिकों को पुल पर कदम से कदम मिलाने से रोका जाता है? रिजोनेंस होगा। जब जहाज कम ऊंचाई से उड़ेगा कमजोर भवन क्षतिग्रस्त होगा, किसके कारण?
रिजोनेंस है, ये रिजोनेंस के मेन एग्जाम्पल हो गए। बाकी उपयोग वाला तो ढोलक तबला सब लोग समझ ही गए, तो लिख दीजिए जल्दी से रिजोनेंस अनुनाद। जब किसी वस्तु की, वस्तु के कंपन की आवृत्ति, जब किसी वस्तु के कंपन की आवृत्ति, जब किसी वस्तु के कंपन की आवृत्ति ध्वनि के कंपन के आवृत्ति के बराबर होता है, ध्वनि के कंपन के बराबर होता है, वही चीज हुआ, ध्वनि के कंपन के आवृत्ति के बराबर होता है, एक सेकंड में किए गए दोलन को ही आवृत्ति कहते, कंपन के आवृत्ति के बराबर होता है, तो इसका आयाम अधिकतम हो जाता है, तो इसका आयाम माने साउंड का आयाम अधिकतम हो जाता है, आयाम अधिकतम हो जाता है, इसे अनुनाद कहते हैं, इसे अनुनाद कहते हैं। नीचे स्टार लगा दो, मेन एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, अनुनाद के उदाहरण, अनुनाद के उदाहरण लिख दीजिए। पहला, पुल पर, पुल पर सैनिकों को, पुल पर सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर, सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती है, पुल पर सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती है, सलाह नहीं दी जाती है। अगला नंबर लिख दीजिए, जब कोई जहाज कम ऊंचाई से उड़ता है, जब कोई जहाज कम ऊंचाई से उड़ता है जब कोई जहाज कम ऊंचाई से उड़ता है तो कमजोर भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो कमजोर भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अच्छा, हवाई जहाज उड़ता होगा तो उसमें स्पीड जीरो के बाद 100-200 कहां तक रहता होगा अंदाज? हवाई जहाज एक घंटा में वो 1000 किलोमीटर तक चला जाता है, तो क्या रहता होगा? तो इसमें जीरो के बाद गेस करो कितना, 100 से चले कि 200 के 500 से, कितना? 100। तो इसमें 1, 2, 3, 4 रहता है, 100, 200 नहीं रहता, इसी में जहाज को उड़ना रहता है। और जो भी जहाज हम लोग चढ़ते हैं वो सब कहां तक जाता होगा, जल्दी बोलिए, 5-6। तो उस सब जहाज जनरली एक के नीचे ही रहना रहता है, बात समझ रहे हो? ये एक का मतलब समझते हो? ये एक का मतलब, इस नंबर को मैक संख्या कहते हैं, और मैक नंबर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर प्रति सेकेंड, ये एक मैक नंबर के बराबर होगी। अगर कोई जो है हवाई जहाज का स्पीड एक पर है, इसका मतलब वो जितना बोले हैं उस साउंड के स्पीड से वो जहाज की स्पीड, और साउंड का स्पीड है प्रति 3 सेकंड में 1 किलोमीटर साउंड पहुंच जाता है, 1, 2, 3, 1 किलोमीटर पार। और सोचो कि एक मैक नंबर का मतलब है 3 गिनने में 1 किलोमीटर पार, तो 1-2 पर वही विमान जाते हैं जो लड़ाकू विमान होते हैं, और जो साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा चलते उस विमान को सुपरसोनिक विमान कहते। ये सुपरसोनिक विमान है जो मैक नंबर को क्रॉस करते हैं, एक से ज्यादा पे चलते हैं। और आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ मैक संख्या है, तो ध्यान रखना है मैक संख्या क्या है, वायुयान के ध्वनि के वेग के गति के बराबर होना क्या कहलाता है, मैक नंबर कहलाता है। बोलो मैक संख्या क्लियर हो गया सबका?
अब इसमें नेक्स्ट क्लास हम लोग जो चलेंगे वो आपका पूरे इनवर्स ब्रह्मांड का सिस्टम हम लोग चलेंगे, इंपॉर्टेंट आपका क्लासेस हो जाएगा।